तो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम सभी लोग। तो वेलकम बैक न्यू वीडियो ऑफ फ्रैक प्लस शूटर। तो हम लोग यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेकर आ चुके हैं, और इसमें यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम 4 का एक न्यू अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और इसमें एक न्यू करेक्टर निकल के आता है जिसका नाम है मिस जे, और इसके बारे में पिछले वाला वीडियो में बताया था, नहीं देखा होगा जाके देख लेना, और गेम प्ले भी हम दिखाए थे। बट गाइज, यहाँ पर हम लोग को एक न्यू मैप भी देखने के लिए मिलेगा और कुछ न्यू इक्विपमेंट का अलग अलग सिस्टम, वो भी मैं पिछले वाला वीडियो में दिखाया था। एंड सिंपली गाइज, हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इसको अपडेट, और पहले भी हम अपडेट किए थे बट ये वॉल्यूम 4 वाला अपडेट है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। और कमेंट में गाइज तुम लोग बताना कि तुम लोग को ये वाला अपडेट कैसा लगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, लेकिन मैं यहाँ पर जो गेम प्ले करना स्टार्ट किया हूँ गाइज वॉल्यूम 3 से, क्योंकि मैं उससे पहले प्रो शूटर कभी खेला नहीं था। बट मैं अभी जब से वॉल्यूम 3 से खेलना स्टार्ट, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो एक तरह से तुम बोल सकते हो मैं तुम लोग के साथ एक बिगिनर्स प्लेयर हूँ, बट कुछ मेरे सब्सक्राइबर अल्ट्रा प्रो भी हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या अपडेट है इसमें, व्हाट्स न्यू, यहाँ पे तुम देख सकते हो मिस जेक न्यू फ्रैगर है, लेजेंडरी वाला करेक्टर। और यहाँ पर जो एक न्यू मैप है जिसको कि तुम काफ़ी खतरनाक तरीके से खेल सकते हो, और न्यू इक्विपमेंट वाला सिस्टम भी यहाँ पे रिवर्क करना स्टार्ट है, और कुछ बग फिक्स और कुछ गिफ्ट विफ्ट वाला है। तो यहाँ पे देख लो गाइस, जी रहा है तुम्हारा वॉल्यूम 4, और जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैग वॉल्यूम 4 इज हेयर, यानी कि मिस जे एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसको कि तुम लोग अनलॉक करना चाहो कर सकते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा भी एक्सपेंसिव होगा। और ये रहा सिटी जो कि एरेना 7, हम भाई एरेना 4 में है अभी, तो जैसे हम एरेना 7 में पहुँचेंगे तो आई थिंक हम लोग को यहाँ पे जो है न्यू सिटी वाला मैप देखने के लिए मिल जाएगा। तो तुम्हारा भाई जो है जल्द से जल्द एरेना 7 में पहुँचेगा, और यहाँ पे जो है इक्विपमेंट रिवर्क, यहाँ पे जो इक्विपमेंट का एक अलग यहाँ पर ढांचा तैयार किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा से तुम लोग अपना जो है कैरेक्टर्स को उसमें उसका आर्मर पैड का जो भी होता है सीड का जो भी इक्विपमेंट है तुम वो यूज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे सीजनल रिवार्ड में हमको अलग देखने के लिए मिला गाइस, यहाँ पे 400 स्पिन में जो है यहाँ पर एक हम लोग को करेक्टर मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पिन मार लेते हैं भाई, 22 कार्ड 22, तो शायद ये वाला करेक्टर मिल जाएगा। और जो है वहाँ पे टॉप पे भाई वो 1400 में, पता नहीं वो कार्ड और कार्ड के साथ आई थिंक उसका इक्विपमेंट है। तुम लोग गाइस कमेंट बताना कि तुम लोग क्या लगता है वो कार्ड के साथ और क्या है करेक्टर का। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है 120 जेम्स, तो समझ सकते हो गाइस कितना ज़्यादा हम लोग को जेम्स यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर टिकट्स भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जितना ज़्यादा टिकट होगा उतना ज़्यादा तुम अपना आइटम्स यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस ये वाला भी तुम लोग को दिखा दिए, और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसका न्यू सीजन यानी कि फ्रैग पास। और ये 30 दिन के लिए, 28-29-30 दिन के लिए आई थिंक। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो फ्रैग पास है, फ्रैग पास में यहाँ पर क्या क्या है, तो वो गाइस सभी कुछ हम लोग देख लेंगे। और उससे पहले हम लोग को यहाँ पे 50 जेम्स मिल गया था, तो 50 जेम्स हम लोग यहाँ पे क्लेम भी कर लिए। और देख लो भाई इसका वॉल्यूम 4 जो सीज़न 1 है, वॉल्यूम 4 का सीज़न 1 तुम बोल सकते हो। तो इसमें गाइस हमको सबसे पहले कि यहाँ पे क्रैब वाला एक इमोट मिल गया, केकड़ा वाला, और देखते हैं भाई क्या क्या मिलेगा। भाई इसमें इम्पेरियस करेक्टर्स है, और ये ब्लाइस वाला जो कि न्यू करेक्टर्स आया हुआ था, तो गाइस ये भी यहाँ पे मिल रहा है, इसका स्किन भी है, और भी बहुत सारा खतरनाक भाई ये करेक्टर देखो गाइस, भाई क्या ही खतरनाक है यार। इसका नाम है क्रिस्टल, आई थिंक ये स्किन का नाम है, करेक्टर का नाम तो कुछ अलग होगा, तो देख लेते हैं और क्या है। नहीं, करेक्टर का ही नाम है कैच। और देख लो भाई इतना सारा यहाँ पर जोकर कार्ड है, गोल्ड है, और बहुत सारा तुम स्किन वाला तुम स्किन भी खरीद सकते हो, चाबी एक क्रेट्स जल्दी खोल सकते हो चाबी का यूज करके, और जेम्स से लेजेंडरी कार्ड भी मिलेगा, तो लेकिन भाई थोड़ा कॉस्टली। और ये वाला करेक्टर का लुक हमको देखने में काफ़ी खतरनाक लगा भाई, इसका नाम है इम्पेरियस, और ये सेंटर अटैक करता है भाई, बड़ा खतरनाक करेक्टर है, लेजेंडरी है। लेकिन भाई इसमें जो है पैसे लगाएंगे तभी जो है यहाँ पर ये सब चीज़ हम लोग को मिल पाएगा। और तुम लोग कमेंट में बताना गाइस इस बार का जो है फ्रैग पास कितना खतरनाक है, एंड मेरे को तो भाई गजब लग रहा है, बट यहाँ पर तुमको गजब पैसे भी लगाने पड़ेंगे तो जाके तुमको मिलेगा। और 449 रुपया करीब, 500 रुपया तुम्हारे जेब में होगा, तो गाइस तुम लिए ले सकते हो आसानी से, नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर जो है ये जेम्स वेम्स तुम ले सकते हो, बट फ्रैग पास के लिए तुमको पैसे लगाने पड़ेंगे। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ तक मेरे को पता है कि जेम्स से तुम खरीद लोगे फ्रैग पास, ऐसा कोई यहाँ पर डेवलपर्स ऑप्शन दिए नहीं है, तो तुम डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें तुमको थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। एंड गाइस अब हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने गेम मोड्स के ऊपर कि यहाँ पर भाई कौन कौन सा गेम मोड्स है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मिस जे, ये रहा भाई वाइल्ड कार्ड। गाइस वाइल्ड कार्ड क्या होता है मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, वाइल्ड कार्ड के बारे में मेरे को भी फिलहाल पता नहीं। और ये कैरेक्टर्स हम अभी जो है अनलॉक कर सकते हैं सीजनल रिवार्ड्स और अदर सीजनल कंटेंट और कुछ चैलेंज के साथ ही, मेरे ख्याल से ये अभी परचेज करने का ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब तुम इसको भी पैसे से नहीं खरीद सकते हो। और इसका गन का जो नाम है, ये जो गन चलाती है इसका नाम है प्लाज्मा लॉन्चर MK2, ठीक है।
और इसका देख लो टर्बो ग्लाइडर का ये अलग, इसका कुछ अलग एबिलिटी है, फ्यूल ड्यूरेशन, और इसका जो गन का जो है यहाँ पे हीट पॉइंट्स, डैमेज, अटैक सब कुछ यहाँ पे तुम लोग को दिखाई रहा है। और जो इसका टर्बो ग्लाइडर है उसका भी अलग रेडियस है, उस हर चीज़ का अलग। और यहाँ पर देखो भाई मोड, ब्रीच, एडकेट, और ये रहा गाइस एडकेट मोड्स, जिसमें कि अभी यहाँ पे हम लोग जब खेल लेते हैं तो इसमें मूव एसाइड वाला है। तो यहाँ पर भाई जितना ज़्यादा तुम खेलोगे तुमको यहाँ पे उतना ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेगा, और लास्ट में तुमको एक इपिक चेस्ट मिलेगा, इक्विपमेंट चेस्ट है गाइस, तो ये इपिक इक्विपमेंट चेस्ट है। और इसमें जो ये तुम्हारा 3 से 5 मिनट में हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे मूव एसाइड है तो ये वाला जो ना पुश योर अपोनेंट्स आउट ऑफ द एरिना, क्लेम विक्ट्री, एबिलिटी कूल डाउन, यहाँ पे सब दिया हुआ है इसका। इस वाले मोड का खुद अपना एक रूल है, तो हमेशा मिनट में जो है ना तुमको यहाँ पे अलग अलग टाइप का यहाँ पे मोड में चेंजिंग देखने के लिए मिल सकता है। और गाइस जब हम यहाँ पे मैच स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे देख लो भाई हमको ऐसा सब कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने के लिए मिला भाई। ये देखो शार्क मछली वाला भाई कैरेक्टर देखने के मिला, एकदम धांसू कूल लुक में भाई। लेकिन गाइस ये सब कैरेक्टर्स मेरे पास था नहीं। और गाइस यहाँ पर देखो भाई एनिमी सब भी भाई बहुत खतरनाक, और जब भी हम ये शार्क से यहाँ पे हम जा रहे थे भाई एकदम उड़ उड़ के जा रहे थे पानी की तरह, देख लो भाई। और कहीं भाई हम अंदर गिर ना जाए, और बड़ा मस्त लग रहा था भाई ये जो दौड़ता है, दौड़ने का स्टाइल, और इसका जो हम एबिलिटी यूज करते थे भाई उड़ उड़ के जाता था, बड़ा मस्त लगता था। एनिमी जो हमको जल्दी पकड़ नहीं पाता था। और हम जो इधर यहाँ पे देखो हेल्थ घटाया, हम यहाँ पे मेडिकेट भी यूज कर लेते थे। तो गाइस तुम लोग बस हमको ये बता देना कि ये सब कैरेक्टर्स मेरे को कहाँ से मिला है। और जहाँ तक मुझे लगा मैं बोल चुका हूँ कि भाई ये जो है ना टेम्प्रोरी दिया हुआ है खेलने के लिए, बट कितने घंटे तक मिलेगा तो ये मेरे को पता नहीं। तो आई थिंक भाई जितना बार खेलेंगे उतना बार यहाँ पे जो है चेंज भी होगा। और कैरेक्टर सब काफ़ी ज़्यादा मस्त है, बट हम इसका एबिलिटी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अचानक यहाँ पे कोई भी नया कैरेक्टर मिल जाएगा तो उसका एबिलिटी समझना भाई आम बात नहीं है। तो कैरेक्टर्स का जब वहाँ पे जो है ना स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो मेरे को पता चलेगा। और गाइस यहाँ पे देखो हम कितना फुर्तीला स्पीड में भाई भाग गए यार, शार्क वाला कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मस्त। मेरा यहाँ पे हेल्थ खत्म हुआ, फिर से हम यहाँ पे अपना हेल्थ बढ़ा लिया, और यहाँ पे ये लोग को पॉइंट तो कम कर ही दिए हैं। और स्पेशली मेरे को ये भी बताना कि तुम लोगों को फ्रेक प्रोसूटर का जो है वॉल्यूम 4 का अपडेट कैसा लगा, क्योंकि हम जो है वॉल्यूम 3 से खेलना स्टार्ट किए थे, लेकिन वॉल्यूम 4 जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। बट ये गेम न्यू है, लेकिन मेरे को एक रहती जो तुम बोलेगे ना भाई बोर लगेगा, बोर वाला फीलिंग लगा ही नहीं। और भाई देखो ये ब्लेज वाला करेक्टर जो है आई थिंक ये स्टंट कर देता है, तो भाई थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। एंड इसको ये लोग को भाई मार मार के भाई 90 माइनस कर दिया गाइस ये लोग का, भाई बड़ा खतरनाक करेक्टर यार मानना तो पड़ेगा। और मेरा यहाँ पे भाई हमको मार देगा भाई, लग रहा है यहाँ पे पूरा हेल्थ, लेकिन हम भाई उड़ा उड़ा के ये लोग को ठोक दिए भाई। जो भी ये शार्क के बीच में अड़न भाई वो यहाँ पे बच नहीं पा रहा। और चलो अब इसका बंकर भी हम लोग यहाँ पे तोड़ देंगे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को मज़ा आया ये वाला करेक्टर के साथ खेलने में, बट अगर हम इसका एबिलिटी को और अच्छा समझ लेंगे ना, क्योंकि हम भाई अभी थोड़ा बिगनर्स प्लेयर हैं, तो मेरे को मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई एक गदा वाला काम कर लिया भाई, लूल वाला एकदम, हम यहाँ पे जाके जो है पानी में गिर गए। और तुमको पता होना चाहिए कि अगर तुम पानी में गिर जाओगे तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाओगे, तो तुमको यहाँ पे दूसरा करेक्टर पे स्विच करके तुमको फिर से यहाँ पे गेम में वापस आना पड़ेगा। और गाइस अब यहाँ पे देखो ये लड़की वाला करेक्टर भाई बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा यार एकदम झक्कास, तुम बोल सकते हो सुपर, मज़ा आ जाता है भाई खेलने में, एक दूसरे को शूट करते रहो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये वाला गेम पसंद है। और हम लोग प्रैक प्रो शूटर का गाइस रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे यार, लाइक कर दो तुम लोग जो ना, अगर जो भी न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। तो गाइस यहाँ पे जितना भी न्यू वीडियो है हम लोग रेगुलर लाएंगे, और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जो फ्रैक का डेली वीडियो लाने का, ठीक है। तो गाइस देखो विक्ट्री, और विक्ट्री में यहाँ पे MVP ये शार्क वाला करेक्टर भाई, एकदम लोग चश्मा वश्मा पहना कर भाई ये करेक्टर को बनाया भाई, बड़ा मस्त लग रहा है। और देख लो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 30+ ट्रॉफीज। तो आई होप यार तुम लोग को ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, और जितना भी अपडेट्स था फ्रैक वॉल्यूम 4 से रिलेटेड तुम लोग को दे दिए हैं। और जल्द से जल्द एरिना 7 में पहुँचेंगे, तो वहाँ पे न्यू मैप भी खेल के दिखाएंगे। मिलते गए जल्दी।